तो दोस्तों आईपीएल शुरू होने वाला है 22 मार्च 2024 से। जो पहला मैच खेला जाएगा वो होगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, जो खेला जाएगा एमएस चिदंबरम स्टेडियम में और लाइव होगा 8 बजे जियो सिनेमा पे और स्टार स्पोर्ट्स पे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच पिच रिपोर्ट, प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की, दोनों ही टीम की अपडेट्स, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन और टॉस प्रेडिक्शन, साथ ही साथ फैंटेसी क्रिकेट की विनिंग टिप्स। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो एमएस चिदंबरम स्टेडियम एक स्लो पिच देखने को मिलता है, ऐसे में यहाँ स्पिनर काफ़ी अहम योगदान निभाते हैं। हालांकि यहाँ पिछले सीजन अच्छे स्कोर देखने को मिले थे। इस मैदान पर पहली इनिंग का औसत स्कोर 170 रन रहा है। यहाँ टॉस जीतने वाली टीम अक्सर गेंदबाजी करती है। ये होगी चेन्नई सुपर किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, राचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, महेश टिक्षाणा और तुषार देशपांडे नजर आएंगे। बात करते हैं आरसीबी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो फैफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, रजत पटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, महिपाल नोमरोड, दिनेश कार्तिक, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, करण शर्मा और मोहम्मद सिराज देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सीएसके के हेड टू हेड मैचअप्स की। तो दोनों ही टीमों ने 32 मैचों में सामना किया है एक दूसरे का, जहां 21 बार चेन्नई ने मैच जीता है और 10 बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। 10 बार चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा है और 20 बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी हार का सामना करना पड़ा है, और एक मैच ऐसा भी था जिसका निर्णय किसी के पक्ष में नहीं था। तो चलिए बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के अपडेट्स के बारे में। तो ऋतुराज गायकवाड़ और अचिन रविंद्र ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे, या तो फिर रचिन रविंद्र नंबर 3 पर खेलने आ सकते हैं और अजिंक्य रहाणा ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ नए कप्तान घोषित हो चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। डेरिल मिचेल, मोइन अली और शिवम दुबे मिडल ऑर्डर की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट के मुख्य बॉलर होंगे रविंद्र जडेजा और महेश टिक्षाणा, वहीं तेज गेंदबाजी अटैक के मुख्य गेंदबाज होंगे शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर। बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के अपडेट्स के बारे में, तो डुप्लेसिस के साथ विराट कोहली ओपनर करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर रजत पटीदार खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मिडल ऑर्डर की कमान संभालते हुए नजर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल और कैमरॉन ग्रीन, और फैफ डुप्लेसिस कप्तानी की भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। विकेट कीपिंग की बात करें तो अनुज रावत या दिनेश कार्तिक आरसीबी का विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल अपने 4 ओवर पूरे कर सकते हैं क्योंकि आरसीबी का स्पिन विभाग कमजोर दिखाई पड़ रहा है। मोहम्मद सिराज के साथ अल्जारी जोसेफ, लोकी फर्ग्यूसन या रिस टोपली पेस अटैक की ओपनिंग कर सकते हैं, और आरसीबी के पास यश दयाल जैसे गेंदबाज हैं जो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और एक बॉलिंग अटैक में वैरायटी लेकर आते हैं। बात करें अगर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोनों ही टीम बराबरी की दिखाई दे रही है ऑन पेपर, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को होम कंडीशंस का सपोर्ट और एडवांटेज मिल सकता है। तो ये कॉन्टेस्ट 51% चेन्नई के भी हाथ में हो सकता है और 49% आरसीबी के हाथ में। बात करें टॉस की, तो आरसीबी टॉस जीत सकती है और गेंदबाजी का फैसला कर सकती है। टॉप पिक्स की बात करें तो विकेट कीपर के सेक्शन में एमएस धोनी का होना बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि एमएस धोनी इस ग्राउंड को भली भांति जानते हैं और उनके विकेट कीपिंग स्किल्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं बैटिंग में फैफ डुप्लेसिस एक मस्ट पिक हो सकते हैं, क्योंकि वो आरसीबी को एग्रेसिव स्टार्ट देते हैं और एंकर का रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलराउंडर के सेक्शन में रविंद्र जडेजा एक मस्ट पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि चेन्नई की पिच स्पिन गेंदबाजी को फेवर करती है और रविंद्र जडेजा स्पिन ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग के साथ और बॉलिंग के साथ दोनों के साथ ही पॉइंट्स देंगे। और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी में मस्ट पिक हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अर्ली विकेट टेकिंग्स की काबिलियत है। फैंटेसी टिप्स की बात करें तो ये पिच को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाज अच्छे रन स्कोर करते हुए नजर आएंगे। डेथ ओवर्स गेंदबाजों की बात की जाए तो विकेट लेने में कभी भी काबिलियत रखते हैं और वो कभी भी गेम को अपनी तरफ घुमा सकते हैं, डेप्थ ओवर गेंदबाज जैसे शार्दुल ठाकुर और अल्जारी जोसेफ। बात करें विकेट कीपिंग की, तो दिनेश कार्तिक या एमएस धोनी किसी को भी आप टीम में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी कम बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही टीमों की बैटिंग यूनिट काफ़ी हैवी है। बात करें इस पिच की, तो ये पिच बैटर्स और स्पिनर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल होता है और स्पिनर को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा।
बात करें दोनों ही टीम के की प्लेयर्स की तो सीएसके के की प्लेयर्स होंगे ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और महेश थिक्षाणा। वहीं आरसीबी के की प्लेयर्स होंगे फैफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और मोहम्मद सिराज। सीएसके की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं शिवम दुबे। वहीं आरसीबी के नाम से कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए टॉप चॉइसेस हो सकते हैं फैफ डुप्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों आप भी ऐसी टिप्स का इस्तेमाल करिए और बनाइए अपनी फेवरेट ड्रीम इलेवन टीम जो आपको जिता सके ढेर सारे पैसे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट में बताइए कि कल का मैच कौन जीतेगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या चेन्नई सुपर किंग्स।